स्टूडेंट बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर कास्ट अकाउंटिंग एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि इन क्वेश्चनों में कास्ट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल दोनों का आंसर दिया होता है, दोनों का, ठीक। और हम लोग कास्ट का ही बेस लेके चलते हैं, ठीक। अब हमें ये ढूंढना है कौन एक्सपेंसेस है और कौन इनकम है। फिर ये देखना होता है कि फाइनेंशियल बुक की अपेक्षा कॉस्ट में कम है कि अधिक है, फाइनेंशियल बुक की अपेक्षा कॉस्ट में कम है कि अधिक, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2018-19, ठीक। फिर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना दिया है, 50,200, ठीक, 55। अब जैसे पहला पॉइंट दे रखा है कि पेमेंट फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा खर्चा होता है जो कि फाइनेंशियल बुक में दिखाया जाता है, कॉस्ट में नहीं दिखाया जाता है। तो फाइनेंशियल बुक की अपेक्षा कॉस्ट में कम हुआ, तो कम को तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बैड डेट। बैड डेट भी फाइनेंशियल बुक में होता है, कॉस्ट में नहीं होता है, एक्सपेंसेस कहलाता है, ये भी खर्चा है। तो क्या हुआ, फाइनेंशियल बुक की अपेक्षा कॉस्ट में कम है, तो कम को तो लेस में दिखा देंगे बैड डेट, ठीक। फिर अगला दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। इसमें फैक्ट्री जो है दे रखा है, इसमें कॉस्ट का दे रखा है और फाइनेंशियल दे रखा है। तो हमें देखना है कि फाइनेंशियल की अपेक्षा कॉस्ट में ज़्यादा है कि कम है। देखिए फाइनेंशियल की अपेक्षा कॉस्ट में अधिक है, तो जितना अधिक है उसको ऐड कर देंगे, ठीक। देखिए हमने ऐड लिखा है फैक्ट्री ओवर चार्ज है कॉस्ट, ठीक, 15,000 में से 12,200 उतना दिखा दिया गया, ठीक। फिर अगला पॉइंट ये रखा है ट्रांसफर फी इनकम होती है, तो इनकम का रूल क्या है, कम को जोड़ो अधिक घटाओ, तो इसको हमने ऐड कर दिया है, ठीक, ट्रांसफर फी। फिर अगला पॉइंट ये रखा है डायरेक्टर फीस। ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, ये फाइनेंशियल बुक में दिखाएंगे, कॉस्ट में दिखाएंगे, तो इसको भी लेस करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये रखा है डिप्रिसिएशन। तो फाइनेंशियल बुक के पीछे 10% लगाना है, तो 50,000 रुपये के पर 10% लगाएंगे, कितना, 5,000 रुपये आएगा, जो कि फाइनेंशियल में दिखाया गया, कॉस्ट में नहीं दिखाया गया है, इसलिए लेस में दिखाएंगे 5,000 रुपये, ठीक। फिर इसके बाद जो ऐड वाले हैं उसको ऐड करके दिखाएंगे। फिर दोनों को 50,255 और 3,945 जोड़ लेंगे, 54,200, ठीक। फिर इधर लेस वाले सब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 23,000। फिर 54,200 में से 23,000 घटाएंगे, 31,200 तुम्हारा आंसर ही कहलाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होगा, ठीक। अब इन एग्जाम्पल को लगाइए अच्छे से, फिर का नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके।